वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2022 की जीएस 1 की आंसर की। हमारे पास जो सेट है वो है सीरीज बी। देखते हैं, तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन थे 2 घंटे में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जात विरोधी आंदोलन से, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 1 और 2, यानी ओडिशा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व कोशाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो थर्ड का जो है करेक्ट आंसर है ए, 136 पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर फोर का ए, यानी सुल्तानगढ़ी ये है इल्तुतमिश से, और बी है लाल महल बलबन, और सी है 1, यानी जमात खाना मस्जिद ये है अलाउद्दीन खिलजी संबंधित, और ढाई दिन का झोपड़ा ये है कुतुबुद्दीन ऐबक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यूकेलिप्टस, ये जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि ये पानी ज़्यादा सींचता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर है बी, अजैव अपघटनी प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 और 2 दोनों, यानी कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हरियाली। क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1986। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट आंसर है सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, TCS वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 में पायदान पर है, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट आंसर है ए, मणिपुर जय सुमेलित नहीं है विधानसभा की संख्या सदस्य संख्या के मामले में। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है सी, 3-4-1-2, अब रोही क्रम होगा 3-4-1-2, पहले आएगा हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर एटीन का करेक्ट आंसर है सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर एटीन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ये सही सुमेलित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है खंबात खाड़ी, यानी कि सी, 20 का सी, 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 3-4-2-1।
खट्टे नासर जो है ये जीवाणु, फिर गन्ने का लाल सड़न रोग जो है कवक यानी हुई, उसके बाद आलू का कृष्णकांत रोग ये ऑक्सीजन की कमी से, उसके बाद गेहूं का साहू रोग ये कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, केवल दो, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। संस्कृति जो है इंदौर, शासन जो है ये बड़ोदरा, सामाजिक पहलू ये तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है बी, कोचीन, ये पड़ता है केरल में, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है बी, करोलिना पिलावस्का, ये जो है मिस वर्ल्ड 2021 आयोजित जो हुई थी उसमें विजेता बनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अग्रणी बैंकिंग योजना। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है बी, छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि केवल 1 और 2, चो ओउ और ल्योत्से। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। बजट का आकार रुपए इतने करोड़ था और इस बजट में इतने करोड़ों की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 2 और 3, यानी संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो आकांक्षी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 2 और 3 इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है बी, कतरनिया घाट, ये जो है 1975 में वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 1, 3, 4 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 और 4, यानी कि केरिया जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये जनजाति है केरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है और पालियान ये तमिलनाडु, यानी ये 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 41, 41 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, चार्ल्स बूथ। क्वेश्चन नंबर 43, इसका करेक्ट आंसर है ए, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्सबी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3 2, 1, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जामनगर जो है ये भारत। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है बी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है बी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बसरा। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है डी, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है ए, बदुआ। कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है 52 का करेक्ट आंसर है ए, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये जो है स्थित है चेन्नई में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बारमा शिलालेख जो है ये अशोक का शिलालेख धार्मिक संस्कृति के बारे में कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है एक, लोकलेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश में ये है लखीमपुर खीरी में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 3, 4, 1, 2 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है डी, ऊन। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, यह है ऊन। नेक्स्ट है 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बागपत जो है ये लकड़ी खिलौने के लिए नहीं, ये सहारनपुर जो है ये लकड़ी खिलौने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बांग्लादेश। प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जड़ मिलता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 64 इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है डी, प्रतिजीवाणु। क्वेश्चन नंबर 66 इसका है बी, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा बी, 67 ये है डी, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है सी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है
बी। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा डाउटफुल है, इसका करेक्ट आंसर है खनिज तेल यानी ए। क्वेश्चन नंबर 71 इसका है सी यानी पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 का है सी। क्वेश्चन नंबर 73 का है ए लोकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है डी यानी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है सी यानी कि सी यू ई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है बी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 79 है ए। नेक्स्ट है 80 का है ए नागार्जुनी कोंड। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 82 का बी 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है सी ज्योतिबा फूलो जो है ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है डी यानी कि 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर है सी जो पर्यावरण से मित्रवत हो इको मार्ग जो है उसे दिया जाता है जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी सर बर्मन ये गया ताम्रपत्र ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है सी एकिडना। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है बी 1 और 2 दोनों। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी 3 मूर्ति भवन। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है ए हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ये है सी गुजरात केरल और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 99
99 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मार्क बैंड ए। क्वेश्चन नंबर 100 का है बी, 100 का बी, यानी कि 1342। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इसका है ए, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर है ए, ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन। 2431। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर है ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 तो ये है सी, यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 तो इसका करेक्ट आंसर है सी ए, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर है बी, ए डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 3-4-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है इसका एसआई मात्रक क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 3-4-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान। 112 का करेक्ट आंसर है बी, रूर कोयला क्षेत्र, ये है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 113, सीएनजी जो है मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 3-4-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर है बी, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 4-3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1-2-2। क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 120 इसका करेक्ट आंसर है सी, जी एस गोर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इसका करेक्ट आंसर है ए, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर है डी, यानी 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 4-1-3-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 का करेक्ट आंसर है सी, उत्पाद विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 126 इसका करेक्ट आंसर है डी, केवल 1।
क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर है डी, रेयान जो है ये सुमेलित नहीं है, रूपांतरित स्टार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सॉरी 128 का करेक्ट आंसर है ए, व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती और सचेंद्र सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर है डी, 1559 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर है सी, यानी 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर है डी, 69। 132 का करेक्ट आंसर है डी। 133 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 135 ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं मिला है, जैसे मिलेगा हम आपको कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर है डी, कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापेच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 का है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 141 का है डी, 1982 जो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर है सी, केरल जो है ये रबड़ से संबंधित है, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 143 है ए और बी दोनों, यानी कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों। क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ए सही परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 2021-22। नेक्स्ट 146 है ए, शाहजहां से संबंधित। नेक्स्ट 147 है 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि संपूर्ण वायरस का टीका। क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे ये मनाने की घोषणा की 5 अक्टूबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।